वेलफेयर सोसाइटी एवं उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के तत्वावधान में गुरु गोविंद सिंह जी के लगते जिगर चार साहिबजादे की शहादत को समर्पित सफ़र के शहादत सप्ताह का आयोजन 23 दिसंबर से मोती झील में आयोजित होने जा रहा है। ये जानकारी आयोजन समिति के अध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह छाबड़ा एवं डॉक्टर मनप्रीत सिंह भट्टी ने दी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भी मनाया जाएगा, जिसमें करीब शहर के 300 विद्यालय के बच्चे विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके लिए संस्थान से जुड़े करीब 150 सेवादारों ने स्कूलों में संपर्क भी स्थापित कर लिया है। कार्यक्रम में संगत के साथ लंगर छकने की व्यवस्था की गई है। उनका मानना है कि कार्यक्रम में प्रदेश भर के लोग कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट कानपुर से। सम्मानित पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, सादर नमस्कार। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के लगते जिगर चार साहिबजादों की शहादत को मुख रखते हुए सफरे शहादत सप्ताह जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, हर वर्ष की भांति इस बार भी कानपुर में मनाया जा रहा है। दिनांक 23 दिसंबर को कीर्तन दरबार का आयोजन मोतीझील ग्राउंड में किया जा रहा है, जिसमें सिख पंथ के हजूरी रागी पहुँच रहे हैं। अमृतसर से हजूरी रागी सिमरनजीत सिंह जी, बबीहा जी दिल्ली से और दिलबाग सिंह जी लखनऊ से कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, जो रागी संगतों को कीर्तन से निहाल करेंगे। गुरु काल अटूट लंगर कार्यक्रम में बरताया जाएगा। हर बार की तरह सिख प्रदर्शनी से इतिहास जो लगती है उस प्रदर्शनी का भी चित्रण किया जाएगा। इसके अलावा 26 दिसंबर जो कानपुर से आवाज़ उठी और पूरी दुनिया में फैल गई वीर बाल दिवस पर, इस बार भी स्कूल के छात्र छात्राएं छात्र श्रृंखला बनाएंगे। लगभग इस बार पिछली बार से दुगने स्कूल 300 से अधिक स्कूल इस वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, जिसकी संख्या मुझे लगता है कि 1.5-2 लाख के आसपास इस बार रहने वाली है। CBSE के स्कूलों ने भी पहली बार अपना नोटिफिकेशन जारी करके इस कार्यक्रम को मनाने की अपील की है। इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, चार मुहे तो क्या हुए जीवित कई हजार, ऐसे स्लोगनों के साथ आपको 26 दिसंबर को 11:30 बजे से 12 बजे तक कानपुर की हर सड़क पर वीर बाल दिवस मनाते हुए छात्र छात्राएं दिखेंगे। आप लोगों ने हमेशा से ही सहयोग किया है, इस बार भी आप लोग अधिक से अधिक सहयोग कर जो ये हमारी बलिदानी परंपरा है, ये सिख समाज की ना होके पूरे समाज की है, जो जन जन तक पहुँचे इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहें।